आप देख रहे थे नंबर वन प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी त्रिपाठी। देश आज भले ही तेजी से डिजिटलाइजेशन की ओर बढ़ रहा है, लेकिन ऑनलाइन संसाधन आसान होने से साइबर क्राइम भी उसी तेजी से बढ़ रहा है। बदलते समय और ऑनलाइन बैंकिंग के संसाधनों के बीच खाता धारकों की राह आसान होने का फायदा साइबर ठग आसानी से उठा रहे हैं। ऑनलाइन ठगी का शिकार सबसे ज्यादा युवा और पढ़े लिखे लोग हो रहे हैं। ठग कभी KYC अपडेट करने के नाम पर तो कभी लोन ऑफर देकर लोगों को अपने झांसे में ले लेते हैं। पुलिस भले ही जागरूकता अभियान चलाती है, लेकिन इसका असर एडवांस युवाओं में ज्यादा दिखता नहीं है। आज स्थिति ये हो गई है कि घर बैठे अपराधी ऑनलाइन अपराधों को सहज तरीके से अंजाम दे रहे हैं। अगर आपने जामताड़ा वेब सीरीज देखी हो तो साइबर अपराध से भली भांत परिचित होंगे। मुद्दा बड़ा और गंभीर है, लिहाजा आज इस पर तो बात होगी। साथ ही हम रुख करेंगे मध्य प्रदेश का, जहां निजी स्कूलों की मनमानी का सिलसिला थमने का नाम नहीं मिला। हालांकि जबलपुर हाईकोर्ट ने अभिभावकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा है कि प्राइवेट स्कूल सिर्फ ट्यूशन फीस ही वसूल कर पाएंगे, लेकिन कोर्ट के आदेश के बाद भी ऐसा लगता नहीं है कि कोरोना काल में अभिभावकों को कुछ राहत मिल पाएगी, क्योंकि निजी स्कूल प्रबंधन अपना गणित लगाकर ट्यूशन फीस को ही छात्रों की पूरी फीस में तब्दील कर रहे हैं। ऐसे में बच्चों के माता पिता को कहीं से राहत मिलती नहीं दिख रही। वही सवाल निजी स्कूलों के उन शिक्षकों को लेकर भी है जो अपना समय और नेट का डाटा खर्च कर छात्रों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन वेतन फिर भी आधी या उससे भी कम मिल रहा है। आज इस पर भी विस्तार से बात करेंगे, लेकिन शुरुआत छत्तीसगढ़ के साथ करते हैं, जहां मुद्दा है साइबर क्राइम से सावधान। तो प्रधानमंत्री मोदी देश को पूरी तरह से डिजिटल बनाना चाह रहे हैं। काफी हद तक इसमें पीएम मोदी को सफलता भी मिल रही है, लेकिन डिजिटल इंडिया में साइबर क्राइम भी बढ़ा है। बात छत्तीसगढ़ की करें तो यहाँ लॉकडाउन के दौरान साइबर अपराधों में तेजी से इजाफा हुआ है। राजधानी रायपुर को साइबर क्राइम का बड़ा पॉइंट बनकर उभरा है। सवाल यह है कि जब इंडिया डिजिटल हो रहा है, हर रोज नई तकनीक आ रही है, तो लोग उतने जागरूक क्यों नहीं? आखिर क्या वजह है जो पढ़े लिखे लोग ऑनलाइन ठगी का आसानी से शिकार होते जा रहे हैं? चलिए इन तमाम सवालों को जानने की कोशिश करेंगे। उसके पहले देख लेते हैं रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में साइबर क्राइम के सनसनी, लॉकडाउन के दौरान बम्पर ऑनलाइन ठगी, साइबर अपराध का गढ़ बनकर उभरा रायपुर। प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान साइबर क्राइम तेजी से बढ़ा है। राजधानी रायपुर में ही बीते दो महीने के दौरान 92 केस सामने आए हैं। ये संख्या इस बात को बयां कर रही है कि क्राइम मास्टरों ने राजधानी को अपना नया अड्डा बना लिया है। रायपुर में दो महीने के दौरान हुए 92 केसों में ATM, OLX, पेटीएम से संबंधित फ्रॉड समेत कई तरह के साइबर फ्रॉड वाले केस शामिल हैं। दिलचस्प बात यह है कि जितने लोगों के साथ भी ठगी हुई है, उसमें 80% पढ़े लिखे और ये सभी सोशल साइट पर खूब एक्टिव रहते हैं। साइबर ठग लोन देने के नाम पर पेटीएम अपडेट करने, OTP नंबर के साथ ही हर बार ठगी के नए नए तरीके इजाद करते हैं। मौजूदा समय में ज्यादातर लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, इसलिए ऑनलाइन ठगी भी बढ़ी है। जानकारी के मुताबिक रायपुर में बीते दो महीने में साइबर ठगों ने 6,13,000 रुपए की ठगी की है। इसमें से पुलिस ने 18 मामलों में 2,80,000 रुपए से ज्यादा की रकम रिफंड भी करवाई है। साइबर सेल प्रभारी अभिषेक महेश्वरी ने लोगों से अपील की है कि कोई भी अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी से भी शेयर ना करें। लोगों के साथ ठगी हुई है वे लगभग पढ़े लिखे लोग हैं, तो लगातार लोगों को इस संबंध में जागरूक करने का भी प्रयास किया जा रहा है कि वे किसी के साथ भी अपना OTP या पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना करें। इधर राजधानी में बढ़ते साइबर क्राइम को लेकर SSP ने सभी CSP को इसकी समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। SSP अजय यादव का कहना है कि साइबर ठगी की थाने में आई सभी शिकायतें सही पाई गई थी। ठगी चाहे 1 रुपए की ही क्यों ना हो, उसमें पहले मुकदमा दर्ज करें। रायपुर के साथ बिलासपुर जिले में भी साइबर ठगी के मामले बढ़े हैं।
जिससे पुलिस की चिंता बढ़ाती है। ऐसे में लोगों को जागरूक होना बेहद जरूरी है। इसके लिए बिलासपुर पुलिस ने 1 सितंबर से 8 सितंबर तक साइबर मितान जागरूकता अभियान चला रही है, जिसमें पुलिस ने डोर टू डोर अभियान के तहत गांव से लेकर वार्डों में लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा है। साइबर ठगी के जितनी भी शिकायतें हैं थाने में लंबित, उसकी समीक्षा करने के लिए सीएसपी को निर्देश दिया गया है और ये बताया गया है कि सारी जो शिकायतें हैं जो भी सही पाई गई हैं और ठगी चाहे 1 रुपए की भी क्यों ना हो, उसमें मुकदमा पहले दर्ज करें। कुछ केसेस अभी हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए हैं, पायलट बेसिस पे कुछ केसेस लेके उनका निराकरण करना होगा। उसके साथ साथ जागरूकता की जरूरत है, उसके लिए कुछ एक अभियान आने वाले समय में चलाएंगे। लोगों ने साइबर ठगी से बचने के लिए, टेलीफ्रॉड से बचने के लिए बिलासपुर पुलिस ने साइबर मितान के नाम से एक अभियान शुरू किया है और लोगों ने ये जागरूकता लाने के लिए पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनको ट्रेनिंग दी गई है। बहुत सारे एक्टिव वॉलेंटियर्स भी इस अभियान में जुड़े हैं। इधर साइबर एक्सपर्ट का कहना है कि साइबर वर्ल्ड में काफी कुछ बदल चुका है, ऑनलाइन पेमेंट बढ़ा है, ऐसे में ऑनलाइन ठगी भी खूब हो रही है। साइबर क्राइम के नए तरीकों को लोगों तक पहुंचाना भी एक अपने आप में चैलेंज है, क्योंकि पुलिस अपने वीडियोस के थ्रू, अपने प्रोग्राम्स के थ्रू पहुंचा रही है, बट एक लोगों के अंदर ये अवेयरनेस नहीं है। लोग उन चीजों को देखने के बाद भी गलतियां कर बैठते हैं और काफी बड़े बड़े लोगों के साथ ये चीजें आप देखने को मिल रही कि वो ऐसी गलतियां कर रहे हैं। इंडिया तेजी से डिजिटल हो रहा है, ऐसे में साइबर अपराधी भी लगातार नई नई तकनीक अपना कर लोगों को अपने झांसे में लेकर लूट रहे हैं। जरूरी है कि आप जागरूक और सावधान रहें, किसी की बातों में न आए। अगर सतर्क रहेंगे तो आपका पैसा भी पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। स्वराज एक्सप्रेस के लिए हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। तो साइबर क्राइम से सावधान, आज के इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बिलासपुर से जुड़ गए हैं बिलासपुर के पुलिस अधीक्षक एसपी प्रशांत अग्रवाल जी हैं। प्रशांत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। रायपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं एसएसपी अजय यादव जी हैं। यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साइबर एक्सपर्ट मोहित साहू जी हमारे साथ हैं। साहू जी, आपका भी स्वागत है। भोपाल स्टूडियो से मौजूद हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अग्निहोत्री जी। साहू जी, निश्चित तौर पर हम आपके पास आएंगे, लेकिन पहले हम अग्रवाल साहब और यादव जी से जान लेते हैं कि किस तरह का क्राइम, साइबर क्राइम हो रहा है जो नए तरीके से अभी इजाद हुआ है, कोरोना काल के दौरान जो इजाद हुआ है। तो हम सबसे पहले बिलासपुर में चलते हैं, फिर रायपुर आएंगे। बिलासपुर हम जान लेते हैं, आपको आवाज आ रही है प्रशांत जी? मेरी आवाज आ रही? पिछले 4-5 महीनों में हम लोगों ने देखा है। मेरी आवाज आ रही है प्रशांत जी? जी जी, आ रही है जी। वही जानना चाह रहा हूँ कि इन 3-4 महीने में 5 महीने में किस तरह के नए साइबर क्राइम आए हैं और किस तरह के आपके पास उनकी शिकायतें आई हैं, कैसे? साइबर फ्रॉड तो वैसे पिछले कई सालों से लगातार नए तरीके अपनाते जा रहा है। कुछ फ्रॉड हमको रिसेंटली भी ज्यादा देखने को मिले हैं। फॉर एग्जाम्पल, आजकल गूगल पे फ्रॉड चल रहा है कि गूगल पे आप किसी को कोई नंबर सर्च करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ का ये केस था बिलासपुर का कुछ समय पहले का, कि जोमेटो पे उन्होंने कुछ डिलीवरी मंगाई और वो डिलीवरी उन्हें पसंद नहीं आई और फिर उन्होंने जोमेटो का कस्टमर केयर नंबर गूगल पे सर्च किया और वो जो नंबर आया उससे पे उन्होंने बात करी। तो नंबर एक्चुअली जोमेटो का नहीं था, वो एक साइबर क्रिमिनल का नंबर था। इन लोग कभी कभी साइट हैक करके या कभी सिमिलर वेबसाइट बना करके इस तरीके की काम करते हैं, जिससे गूगल पे जो नंबर है वो एक्चुअल एंटिटी का ना हो करके इनका क्रिमिनल का दिखाता है। तो जब इन्होंने कॉन्टैक्ट किया विक्टिम ने उस नंबर पे, तो सामने वाले से जो बातचीत हुई, इन्होंने अपनी डिलीवरी वापस लेने को कहा। इन्होंने कहा मैं एक लिंक भेजता हूँ, आप उस पर मतलब उस पर क्लिक कर लीजिए, हम आपका जो प्रोसेस कर देंगे, आपका पेमेंट जो है वो कैंसिल हो जाएगा और हमने डिलीवरी वापस ले लेंगे। तो उन्होंने वो जैसा जैसा बताया विक्टिम वैसा कर देंगे। तो वो लिंक, पहली चीज तो वो नंबर जो है वो एक्चुअल एंटिटी का नहीं था, दूसरी बात जो उन्होंने लिंक भेजी वो लिंक एक्चुअली क्विक सपोर्ट सॉफ्टवेयर की थी, जो क्लिक करने से आपके मोबाइल में इंस्टॉल हो जाता और आपका मोबाइल की कॉपी सामने वाले को दिखती जाती है। तो जो जो आपके मोबाइल में डेटा है, जो भी आप एंट्री कर रहे हैं, वो सारा का सारा उनको दिखता जाता है रिमोट डेस्कटॉप के जरिए और उनके खाते से फिर रकम ट्रांसफर हो गई। तो इस तरीके के फ्रॉड, अलग अलग तरीके के फ्रॉड देखने को मिलते हैं जी।
ये नया तरह का है। थोड़ा अजय जी से भी जान लेते हैं। अजय जी, रायपुर में सबसे ज्यादा, पूरे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा रायपुर माने राजधानी में इस तरह के केस आए हैं, और इन केसों जो केस आए हैं उनमें कितनों में रिकवरी हो चुकी है, कितनों को पकड़ लिया है, क्या मध्य छत्तीसगढ़ से बाहर के हैं वो लोग जो क्रिमिनल हैं? जी देखिए, साइबर फ्रॉड का जैसा अभी एसपी बिलासपुर ने बताया जी, ये एक कहना चाहिए पिछले कई साल से चल रहा है और अभी भी बढ़ाव का ट्रेंड है। कहने का मतलब है कि आज हम देखेंगे सोसाइटी में लोग जागरूक भी हो रहे हैं, लेकिन फिर भी साइबर फ्रॉड जो है कम होने की बजाय बढ़ रहे हैं जी। दोनों चीजें हैं इसमें, जागरूकता की कमी का होना, उसके साथ साथ जागरूक होने के बाद भी जैसे कि आपने बताया अभी रिपोर्ट में कि पढ़े लिखे लोग भी फंस रहे हैं, तो वो लोग भी जो सामान्य सिखलाई है, जो चीज हम लोग हमेशा पुलिस प्रचार कर रही है कि ओटीपी आपको शेयर नहीं करना है या अपनी पर्सनल डेटा किसी को नहीं देना है, वो किसी न किसी माध्यम से इनका ट्रैप में आ रहे हैं और डेटा शेयर कर रहे हैं, या फिर जैसे कई तरह के लिंक्स हैं, जैसे अभी बताया कि एक सिमिलर फर्जी वेबसाइट बना करके, और जो कि सिक्योर्ड वेबसाइट नहीं होती है और क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन से अटैच्ड होती है, उसमें लोग अपने डेटा शेयर कर देते हैं। तो कमोबेश यही ट्रेंड है। और रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, ये इस तरह के छत्तीसगढ़ के ऐसे तीन जिले हैं जहां पे सबसे ज्यादा इस प्रकार के केस आएंगे, और रायपुर बीइंग अ कैपिटल डेफिनेटली यहां पे संख्या ज्यादा रहेगी। तो अभी दो महीने में हम लोगों ने पुराने केसेस की समीक्षा की है, तो टोटल 92 हमारे पास ऐसी कंप्लेंट्स थी जो विभिन्न प्रकार की ठगी की थी। तो अभी सब में FIR रजिस्टर करने के लिए बोला है। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें हमने बैंक्स को या जो पेइंग प्लेटफॉर्म होते हैं उसको अटैच मतलब इन्फॉर्म किया है, जैसे कि गूगल पे हो गया या पेटीएम है या इस प्रकार के जो भी प्लेटफॉर्म्स हैं, पेमेंट प्लेटफॉर्म है, उनको हम लोगों ने वो किया है। और 18 केसेस में लगभग 2,81,601 रुपए जो विक्टिम्स थे उनके वापस कराए गए हैं, लेकिन ये नंबर अभी भी कम है। इसमें अभी और बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। अभी इसमें क्या हो रहा है कि लोकल लेवल पे कई बार थानों में जब शिकायतें जाती हैं तो तुरंत उस पर कार्रवाई अगर नहीं होती है, वो शिकायत लेके जांच करते हैं फिर कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं, ऐसे केसेस में पैसे डूबने की दर जो है थोड़ी ज्यादा रही है। तो उस पर अभी हम लोगों ने आने वाले समय के लिए ये मॉडल ऑपरेंडाई तुरंत चेंज किया है कि थाने पहले केस रजिस्टर करें और साइबर सेल से संपर्क करें, और उसके बाद जो टेक्निकल मदद है वो साइबर सेल देगा जी। अब हाल ही में इसमें ये हुआ है, एक पॉजिटिव चीज ये हुई है कि अभी 5 जो रेंज हेडक्वार्टर हैं वहां पर साइबर पुलिस स्टेशन सैंक्शन हुए हैं शासन से, तो डेफिनेटली अब ऐसे क्षेत्र में ये होगा कि कम से कम साइबर सेल सीधे केसेस रजिस्टर करेगा जी। तो जो बड़े केसेस हैं उसको हम लोग सीधे साइबर सेल में डालेंगे और वो वहां रजिस्टर करें और हम लोग जांच पड़ताल करके विक्टिम को राहत दिलाएं। और ये भी बताना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ बड़ा ही सामान्य शांत प्रदेश है, लोग यहाँ के वैसे नहीं है, तो हमारे जितने भी केसेस हैं इनका सबका संबंध बाहर के जो ठगी गैंग है उन्हीं से है। जो फर्जी बैंक अधिकारी बन करके ठगी करते हैं, तो अधिकांश इसके केसेस जामताड़ा, देवघर, ये बिहार झारखंड वाला बेस है। उसके साथ साथ अभी एक चीज और आई है जो अभी इसमें कोरोना काल में अगर आप देखेंगे तो आर्मी वाला, फर्जी आर्मी का बन करके सामान बेच करने या फिर उसमें कुछ डोनेशन मांगने के नाम पे ठगी की चीजें आई हैं। इसमें अधिकांश लोग राजस्थान के जो और हरियाणा के जो सीमावर्ती गांव हैं, वहां के 8-10 गांव हमने आइडेंटिफाई किए हैं, वहां के केसेस हैं। उसके साथ साथ कुछ बंगाल के भी कुछ आ रहे हैं ठगी के केसेस, और कुछ केसेस में अभी कुछ हमने आइडेंटिफाई किए हैं जिसकी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, उसमें साउथ से कनेक्शन आ रहा है, कर्नाटका की ओर से, बैंगलोर बैंगलोर के आसपास से। सो हमारी टीम लगी हुई है, बट अगेन यस, इसमें जो क्राइम प्रिवेंशन और क्राइम का इन्वेस्टिगेशन के साथ साथ जागरूकता की बहुत ज्यादा जरूरत है। पूर्व में हम लोगों ने, जैसे मैं दुर्ग जिले में था तो वहां पे भी हम लोगों ने एक साइबर संगी अभियान चलाया था, तो लगभग 2.5 लाख से अधिक लोगों को वहां पे हम लोगों ने जोड़ा था अपने साथ, और काफी ज्यादा उसका फायदा हुआ था, कंप्लेंट्स ज्यादा संख्या में आना शुरू हुई थी। अभी भी ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी जो लोग ठगी के शिकार हो रहे हैं पूरे लोग नहीं आ पा रहे हैं पुलिस तक, तो अभी भी हम अपील यही कर रहे हैं कि जो भी ठगी का शिकार होता है उसको पुलिस तक आना चाहिए, तभी हम इसको, जितने ज्यादा से ज्यादा केसेस आएंगे और हम उनको रजिस्टर करेंगे तभी आने वाले समय में हम इसको कंट्रोल कर पाएंगे जी। एक सवाल और आपसे है, एक बार फिर प्रशांत जी के पास जाएंगे, फिर हम मोहित जी से जानेंगे कि इसको कैसे रोका जा सकता है। एक सवाल आपसे और, आपने कहा कि रायपुर राजधानी में ज्यादा केस हो रहे हैं, सामान्य तौर पे ये जो साइबर क्रिमिनल हैं
ये जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, जैसे इसके पहले बहुत दिनों से शिकायतें आ रही चार साल पांच साल से कि आपका एटीएम ब्लॉक हो गया है, आपका एटीएम वापस शुरू करना है, आपका जो बैंक का अकाउंट है वो ब्लॉक हो गया है, तो आप अपना पासवर्ड बता दीजिए, पासवर्ड के बाद फिर वो नंबर ले लेते हैं, नंबर के बाद फिर वो पैसा निकाल लेते हैं। ये जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब हमारा कहने का मतलब कि छत्तीसगढ़ में ऐसे एरिए जो बहुत पिछड़े हैं, जहां कम लोग, जहां लिटरेसी की जो वो है रेशियो वो बहुत कम है, ऐसी स्थिति में वहां के लोगों को न ठग करके यहां के लोग, रायपुर राजधानी के लोगों को ज्यादा टारगेट कर रहे हैं क्यों? नहीं नहीं देखिए, ये दो चीजें हैं इसमें, एकदम ग्रामीण और एकदम अर्बन अगर हम बोलेंगे तो उसको नहीं, ये बीच का क्षेत्र पकड़ते हैं। अगर आप देखेंगे तो बेसिकली सबर्ब्स के लोग ज्यादा आते हैं। रायपुर बीइंग अ कैपिटल, बड़ा सिटी है हमारा और सिटीज में पॉपुलेशन सबसे ज्यादा यहाँ की है, तो अगर देखिए उनका मोडस ऑपरेंडाई आज भी यही है कि जो साइबर क्रिमिनल्स हैं ये बेसिक डेटा आपका जुगाड़ते हैं फोन नंबर्स के माध्यम से, ये रैंडम फोन लगाते हैं और लगातार ट्राई करते रहते हैं। अब एकदम रूरल एरिया में अगर कोई व्यक्ति है तो उसके फंसने की दर जितनी है अर्बन, सेमी अर्बन वाले की भी दर उतनी ही रहेगी या कमोबेश मैं कहूंगा ज्यादा रहेगी, क्योंकि कई बार सेमी अर्बन का व्यक्ति थोड़ा ज्यादा जागरूक होने के कारण बैंक की कई चीजों को समझता भी है जी। तो कई बार वो झांसे में आ जाता है कि हाँ बैंक में ऐसी चीजें होती हैं जी। हालांकि समय समय पर बैंक बोल रहे हैं कि हम फोन नहीं करते या हम पर्सनल डेटा नहीं मांगते, लेकिन कई बार व्यक्ति जो है उलझ जाता है और उसमें इनके बातों में उलझ करके डेटा देता है। समटाइम्स ये भी होता है कि किसी की कोई बैंक से इश्यू चल रहे होते हैं, प्रॉब्लम चल रहे होते हैं, उस समय में उसको कॉल आता है तो ऐसा लगता है कि उसमें बैंक का कॉल होगा, जेन्युइन कॉल होगा। प्लस ये लोगों को कई बार बेसिक डेटा की अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करेगा कि सामने वाले को कैसे ठगेंगे। मान लीजिएगा फोन नंबर के साथ साथ किसी की और पर्सनल इन्फॉर्मेशन उनके पास आ गई कि किस बैकग्राउंड का व्यक्ति है, क्या है, तो ये उस तरह से इट्स अ काइंड ऑफ कैट एंड माउस गेम। मतलब हम अभी जागरूकता बढ़ा रहे हैं एक लेवल पे, तो वो एक अनदर लेवल पे जाकर के प्रयास करेंगे, ये चलता रहेगा। मेन है कि प्रिवेंटिव एक्शन कितना तेजी से ले रहे हैं प्लस हमारे लोग कितने जागरूक हो पा रहे हैं, वो चीज ही मैटर करेगी लॉन्ग रन में जी। प्रशांत जी एक बार फिर हम आपसे जानना चाहेंगे, जो अभी आपके सामने केसेस आए हैं जिनको आपने रिकवर भी किया होगा, जिनको आपने कैश कर लिया है, वो किस तरह के केस और हैं और क्या वो आपके यहाँ भी राजधानी से स्टेट से बाहर के हैं, छत्तीसगढ़ से बाहर के हैं क्या? जो साइबर क्रिमिनल्स हैं वो मोस्टली स्टेट के बाहर के ही हैं जी। जो बिहार के कुछ जिले हैं, झारखंड के कुछ जिले हैं, गिरिडीह, देवघर, जामताड़ा, उसके अलावा आजकल टीकमगढ़ भी एक गढ़ हो गया, रायगढ़, हरियाणा में कुछ जिले हैं, राजस्थान में कुछ जिले हैं जहाँ के लोग इस तरीके के फ्रॉड वहाँ से ऑपरेट कर रहे हैं। अभी भी हर तरीके के अपराध आ रहे हैं, जो एटीएम वाली आप बात कर रहे हैं जो पहले होते थे अभी भी वो हो रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्र के लोग उसके भी शिकार हो रहे हैं। शहरों में ज्यादा होने का कारण इसलिए है क्योंकि आजकल जो ऑनलाइन शॉपिंग बहुत सारे लोग करते हैं, उन शॉपिंग साइट से या उनके कर्मचारियों से भी ये क्रिमिनल लोगों का टाई अप कई बार रहता है, वो उनसे भी डेटा लेते हैं जी। और उनसे डेटा लेकर के उन नंबर पे, चूंकि उनको बात, उनको पता होता है कि ये जो व्यक्ति है, ये स्नैपडील से इन्होंने परचेजिंग करी हुई है, तो उसके बारे में भी बात करते हैं कि आपने स्नैपडील से लिया था तो आपको हम आपने जो परचेजिंग करी है उसके साथ हम आपको 5,000 का कैशबैक दे रहे हैं। तो इस तरीके के झांसे में भी लोग लेते हैं, जो एक उनकी एक्चुअल उन्होंने वास्तव में परचेज भी किया है तो भरोसा भी कर लेते हैं। ये वाला काम शहरों में या सेमी अर्बन एरियाज में काफी है, तो इस तरीके के फ्रॉड भी हो रहे हैं जिसमें कैशबैक की बात करते हैं। जो ओएलएक्स वाला है कि फ्रॉड, जिसमें जो क्रिमिनल है वो अपने आप को आर्मी का होना बताता है, कोई कार या बाइक की पिक्चर पोस्ट करता है कि मेरा जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसफर हो गया है, मैं वहां जा रहा हूँ, ये बाइक या कार में सस्ते में बेचना चाहता हूँ, और उसके झांसे में कई बार विक्टिम आ जाता है। और चूंकि वो आर्मी वाला अपने आप को बताता है, एक फेक आईडी कार्ड सामने वाले को भेज देता है तो भरोसा भी कर लेता है कि वास्तव में वो आर्मी का बंदा है और झांसे में आ जाता है। और ट्रांसपोर्टेशन फीस या किसी के नाम पे 15-20,000 जमा कराने बोलता है और पैसा जमा होने के बाद वो बातचीत करना बंद कर देता है। ऐसे फ्रॉड भी हो रहे हैं। ओएलएक्स में खरीदने के भी फ्रॉड हो रहे हैं कि जो क्रिमिनल है वो खरीदने की बात करेगा,
उसमें कई बार लोगों को विक्टिम को ऐसा नहीं लगेगा कि हम फ्रॉड के शिकार हो सकते हैं, वो ये बात करेगा कि ठीक है आपका सामान मुझे खरीदना है, और जब दोनों में डील हो जाती है तो फिर जो क्रिमिनल है वो एक लिंक भेजता है कि मैं आपको मैंने 10 रुपये का ट्रांजेक्शन में कर रहा हूँ, आप इस लिंक पे क्लिक कर दीजिए, तो मैं उसके हिसाब से फिर आपका आपको सही खाते में पैसा जा रहा है पता चल जाएगा मुझे, तो आपको की पैसा हम पेमेंट कर दूंगा। तो ये भी एक लिंक फ्रॉड है कि जैसे वो लिंक को क्लिक करेगा उसका फोन का डेटा कॉपी हो जाएगा। सोशल मीडिया वाले भी फ्रॉड हो रहे हैं। बिलासपुर का ही केस था जिसमें एक ऑनलाइन डेटिंग ऐप में लड़के ने चैटिंग करी, एक लड़की से उसकी दोस्ती हुई और उन लोग बातचीत करने लगे, इंटीमेट बातें करने लगे, कुछ वीडियो कॉल्स भी हुए, और वो लड़की एक्चुअली क्रिमिनल गैंग की थी, और सारी चैट वैट होने के बाद उन्होंने जो जैसे टेक्स्ट चैट का स्क्रीनशॉट होता है वीडियो चैट का या वीडियो कॉल का स्क्रीन सेवर बन जाता है, तो स्क्रीन सेवर बना करके उस लड़की ने उसको व्हाट्सएप किया कि अब जो हमारी चैट हुई इसको मैं फेसबुक पे और यूट्यूब वगैरह पे डाल दूंगी, अदरवाइज आने से मुझे इतने पैसे दो। तो ऐसे करके ब्लैकमेल का भी शिकार शहर के लोग हो रहे हैं, जो लोग इस टाइप के ऐप्स इस्तेमाल कर रहे हैं। कई नए तरीके के फ्रॉड समय समय पर, जैसा इसके रैपोर्ट सर बोल रहे थे कि हम कितना भी लोगों को अवेयर करें फिर कुछ नए तरीके सामने आ जाते हैं, तो एक कैट एंड माउस गेम है जिसमें हम लोगों को चीज उनको करते रहना ही पड़ेगा। जी मोहित जी, आपने हमारे दोनों अधिकारियों की जो तफ्तीश है और जो इस समय जो साइबर क्रिमिनल है वो किस किस तरह के तरीके अपना रहे हैं, इसे कैसे रोका जा सकता है, और खासकर आप इनको किसी तरह लिंक के आधार पे अगर वो बाहर का है, उसने अपना मोबाइल नंबर किसी और की सिम, अपना सिम किसी और के नाम पे ले रखा है, ऐसे लोगों को कैसे पकड़ा जा सकता है? मोहित जी, जी देखिए, जैसा कि सर लोगों ने बताया, इसमें जागरूकता एक पहला कदम है जो कि लोगों के पास जाना, उन तक ये बातें पहुंचाना कि ये जो नए लेवल के क्राइम हो रहे हैं कैसे हो रहे हैं, क्योंकि अभी तक बोलते थे ओटीपी नहीं बताना है, अब ऐसा हो गया कि अब लिंक यूपीआई के थ्रू जो है ये क्राइम हो रहे हैं, यहाँ पे ओटीपी की जरूरत नहीं होती, यहाँ पे यूपीआई पिन डाल करके अब क्राइम हो रहा है, तो लोगों को लगता है हमने तो ओटीपी किया नहीं फिर भी हमारा गायब हुआ। तो नए जो तरीके हैं उनके लिए जागरूक करना एक पहला जरूरी बात है। दूसरा कि ये इसमें एक स्टेक होल्डर के होने से नहीं होगा, इसमें कई स्टेक होल्डर्स की इन्वॉल्वमेंट जरूरी है। पुलिस काम कर रही है, आम जनता का काम करना जरूरी है, इंस्टीट्यूशन लेवल पर भी काम करना जरूरी है। अभी जो हम लोग साइबर क्राइम देख रहे हैं, देखिए ये फेज वन मैं बोलना चाहूंगा, ये 80% ऐसे लोग वनरेबल हैं क्राइम्स को लेकर के जो नॉर्मल डे टू डे एक्टिविटीज की चीजों को लेकर के ये लोग वनरेबल हैं। मतलब अगर किसी के ई कॉमर्स में शॉपिंग की उसमें प्रॉब्लम, उस कारण इनके साथ ठगी हो जाती है, कोई खरीदना या बेचना चाहता है ऑनलाइन तो ठगी हो जाती है। अभी और सोफिस्टिकेटेड क्राइम जो आने वाले टाइम में होंगे और उसके लिए लोग अभी भी अवेयर है नहीं, और मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये चीजें बढ़ेंगी, नो डाउट। अभी इसको रोकने का जो तरीका है वो एक फ्रेमवर्क जब गवर्नमेंट लेकर के आएगी, किस तरह के क्राइम कई लोगों को इन्वॉल्व करेगी। मोहित जी थोड़ा सा, किस तरह के और क्राइम बढ़ेंगे आने वाले समय में? देखिए अगर आप बाहर दूसरे विदेश कंट्रीज में देखें तो वहां के लोग ये छोटे जो क्राइम यहाँ पे हो रहे हैं फाइनेंशियल फ्रॉड काफी ज्यादा अवेयर हो चुके हैं। वहां पे जो नेक्स्ट लेवल का क्राइम हो रहा है जैसे क्रिप्टो करेंसी, अभी आपने सुना होगा कई लोगों के ट्विटर के अकाउंट हैक हो गए, कई लोगों ने ट्विटर पे देखा कि बड़े बड़े लोगों ने ट्वीट किए कि आप यहाँ पे पैसे डालेंगे और आपके पैसे डबल हो जाएंगे। लोगों ने देखा कि हाँ भाई बड़े आदमी ने पैसे डालने के लिए बोला है, तुरंत ट्वीट के बाद लोगों ने पैसे ट्रांसफर कर दिए क्रिप्टो करेंसी पे, और हजारों लोगों के मतलब मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है उस पूरे हैक में चले गए रातों रात। और सेम अभी रिसेंट में नरेंद्र मोदी जी का जो अकाउंट था उस पर भी यही चीज हुई, उस पर भी क्रिप्टो करेंसी मांगी गई। तो कहीं न कहीं ऐसे सोफिस्टिकेटेड क्राइम जो है जो बड़े लेवल पे क्रिप्टो करेंसी से जुड़े हुए हैं, जिसपे ईमेल हैकिंग इन्वॉल्व है, पर्सनल लोगों का डेटा जिसपे जाएगा और उस पर्सनल डेटा के बेस पे लोगों को ब्लैकमेलिंग होगी, ये सारे क्राइम अभी आने वाले टाइम में बढ़ेंगी। अभी जो हम लोग क्राइम देख रहे हैं वो ऐसा है जिसमें बहुत ज्यादा सोशल इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है, मतलब लोगों को मैनिपुलेट किया जा रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में लोगों को ये मैनिपुलेट नहीं करेंगे, सीधा सीधा उनके बैंक पे डकैती करेंगे। कैसे करेंगे बैंक पे डकैती? इसका एक एग्जांपल मैं जैसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, यूएस में एक वायरस था जीएस करके वायरस था, ये वायरस कई कंप्यूटर में इंस्टॉल हुआ, जिन भी लोग कंप्यूटर के थ्रू वहां बैंकिंग करते थे उन सब के अकाउंट से मान लीजिए एक एक दो दो रुपए के आसपास डॉलर्स में वहां पे एक एक दो दो डॉलर उनके अकाउंट से निकलने लग गए अपने आप से,
बिना कुछ किए, जस्ट एक वायरस के थ्रू। तो इस तरीके के जो रैंसमवेयर के केसेस ऑलरेडी यहाँ पे आ चुके हैं, इस तरीके के बड़े सोफिस्टिकेटेड अटैक आने वाले टाइम में होंगे, और वहां पे लोगों का अवेयरनेस ये चल रही है कि वो साइबर हाइजीन को समझें कि क्या डाउनलोड करना है, क्या डाउनलोड नहीं करना है, तब वो उस चीज को बच पाएंगे। प्लस एक फ्रेमवर्क की भी जरूरत पड़ेगी जहां पे गवर्नमेंट, पुलिस की भागीदारी और आम जनता और अलग जो इंस्टीट्यूशन है प्लस स्कूल्स, उनको बताना पड़ेगा कि शुरू से कि ये डूज एंड ये डोंट्स हैं जो आपको फॉलो करना है। जी जी मोहित जी, तो अभी मेरा मानना है, देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वो है डर, और इंडिया के लोगों का मैं जो दूसरा चीज देखता हूँ वो लालच। आदमी साइबर क्राइम में तभी फंसता है या तो उसके अंदर डर होता है कि उसके साथ उसका बैंक अकाउंट में बैन हो जाएगा, उसका बैंक कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, या फिर उसके अकाउंट में जो है पैसे निकलने वाले हैं, तो कई बार निकलने के डर से भी लोग बैंक के एम्प्लॉयज को डिटेल दे देते हैं। दूसरा है लालच, जब लोगों को कोई चीज ऑफर में मिलता है या फ्री में मिलता है तब ये लोग करते हैं। तो ये दोनों चीजों के लिए मुझे लगता है एक प्रॉपर फ्रेमवर्क के साथ स्कूल एजुकेशन से इस चीज को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा टैक्स से भी हैं, और मुझे लगता है कि जो लोग ज्यादा टैक्स से भी होते हैं उनके साथ ही अटैक होने के चांसेस भी ज्यादा है। जो ऑनलाइन बैंकिंग सुविधा रखते हैं उन्हीं पे ये अटैक ज्यादा होगा, जो ऑनलाइन सुविधा नहीं है, जिनके पास चेक भरते हैं पैसा निकालते हैं उनको उनको कोई खतरा नहीं है? देखिए अगर आप बोले आज के टाइम में यूपीआई क्या सबसे ज्यादा फ्रॉड हो रहा है, जितने लोग यहाँ पे यूपीआई यूज कर रहे हैं जाहिर सी बात है फ्रॉड उन्हीं के साथ हो रहा है। और जितने लोग मैं अपने घर की बात कर रहा हूँ, मेरे फादर आज के टाइम में यूपीआई यूज ही नहीं करते हैं, उनको बहुत सारे कॉल आते हैं बोलते हैं कि आप ये यूपीआई पेमेंट करना है, आपको एक लिंक करा आप इस पे क्लिक करिए। फादर ने बोला मेरे पास है ही नहीं, मैं स्मार्टफोन यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं कैसे इस पे डालूं। तो मुझे यही लगता है कि कहीं ना कहीं जो लोग टैक्स सेवी हैं, जिनके पास ये चीजें हैं और जिन्होंने अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन नेट पे ऑलरेडी डाला हुआ है अलग अलग वेबसाइट में अपने फॉर्म भर के या दूसरे तरीके से, और वो इन्फॉर्मेशन इन अटैकर्स के पास में है, तो ये अटैकर्स पूरा आपका एक खाका तैयार करते हैं, आपके प्रोफाइल एक पूरे तैयार करते हैं, उसके बेस पे ही अटैक करते हैं। तो ये लोग टैक्स सेवी लोग ही हैं जो सबसे ज्यादा हैक हो रहे हैं। चलिए समय कम है, चलते चलते हम चाहेंगे कि प्रशांत जी और अजय जी, पहले प्रशांत जी, आप इस साइबर क्राइम से लोग बचे कोई आप अपना मैसेज देखना चाह रहे हैं, जो स्वराज के हमारे दर्शक हैं वो आपका मैसेज सुन लें और कम से कम आपकी नसीहत के बाद वो इसे अलग अलग तरीके से बच सके। प्रशांत जी, जो साइबर फ्रॉड है, टेली फ्रॉड के जो शिकार होते हैं लोग, जैसा मोहित जी ने बताया, लालच एक बड़ा विषय रहता है, तो किसी के लालच में किसी के झांसे में नहीं आए। जो भी आपको आगे से आकर के अपने अनजान नंबर से फोन करके आपको आपके फायदे की बात बता रहा है, आपको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, तो उस पर एक नेचुरल डाउट आपको होना चाहिए, उस पर सस्पिशन आपको होना चाहिए कि इतनी आसानी से मुझे एक्स्ट्रा रकम या मेरे को लकी ड्रॉ कैसे मिलेगा। आज भी लोग लकी ड्रॉ के नाम से फंस जाते हैं। आज ही हमने एक केस लिखा, इसमें 15 लाख रुपए एक व्यक्ति ने गंवाए और वो DRDO का रिटायर्ड साइंटिस्ट था, उन्होंने पैसे गंवाए सिर्फ लकी ड्रॉ के नाम पे। तो कोई आपसे फायदे की बात करे, आपको कन्विंस करने की कोशिश करे और अनजान नंबर से वो कॉल आई है तो उस पर आप रिस्पॉन्ड ना करें। कोई लिंक पेमेंट के माध्यम से आपको कर रहा है तो कोई अननोन नंबर वाली लिंक से आप बिल्कुल भी कम्युनिकेट नहीं करें, ये मोस्टली फ्रॉड होता है। OLX पे आप कुछ खरीदी करते हैं तो आप मिलने की सोचें कि मिल विल कर भी सामान लेना बेहतर होगा, अदरवाइज उसको अवॉइड करें। किसी प्रकार का OTP या लिंक पे कोई ऐसा क्लिक ना करें, अदरवाइज आपके फोन पे एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो सकता है जिससे आपका फोन हैक हो जाएगा, तो आप ऐसे लिंक पे क्लिक ना करें। सोशल मीडिया अकाउंट्स में आप सेफ्टी बरतें, आप फेसबुक पे लोग पिक्चर्स डाल देते हैं और उसके बाद वो प्रोफाइल पिक्चर्स उससे उठा करके दूसरे फेक अकाउंट्स बन जाते हैं, तो आप अपने प्रोफाइल फोटो लॉक करके रख सकते हैं, सेफ्टी सेटिंग्स होती हैं, आपकी फोटो इवन स्क्रीनशॉट से भी फोटो दूसरा व्यक्ति कॉपी नहीं कर पाएगा। तो ये जो सिक्योरिटी फीचर्स हैं इसको ध्यान में रखें तो आप ठगी का शिकार होने से बच सकते हैं। अजय सर, आपसे भी आप अपने राजधानी या खासकर पूरे छत्तीसगढ़ के ऐसे लोगों को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं, जो हमारे स्वराज के दर्शक हैं उनको एक आप संदेश, उनको नसीहत दे दें कि कम से कम, हालांकि वो मोहित जी ने बता ही दिया है कि ऐसे ही लोग डर और लालच के अलावा जो ऑनलाइन
शॉपिंग ऑनलाइन बैंकिंग पे ज्यादा विश्वास रखें, उनके साथ ही हो रहा है। आप अपना कोई संदेश देना चाह रहे हैं दर्शकों को? मैं आपके अपने स्वराज के दर्शकों के लिए और स्पेशली इधर छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए यही कहूंगा, टेक्निकल पॉइंट्स अभी मोहित जी ने बताया एक्सपर्ट के रूप में, अभी प्रशांत जी ने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस किए, और वही मेन ही है कि जानकारी जिसको कहते हैं वो बचाव है। मतलब यहाँ पर व्हाट एंड व्हाई जिसको बोलते हैं ना, क्या और क्यों, ये समझना जरूरी है। हम लोग सिर्फ क्या पे रह जाते हैं कि मतलब आपको ये कैशबैक मिलेगा, ये है, ये फायदा है, तो एक क्वेश्चन आपके दिमाग में हमेशा आना चाहिए कि क्यों। मतलब आज के डेट में जब गवर्नमेंट पॉलिसीज पे, बॉन्ड्स पे, सब पे इन्वेस्टमेंट की रेट ये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको ये मिल रहा है, ब्याज दर ये है, और उस पर अचानक कोई आदमी आपको बोलेगा मैं दूना दे दूंगा या चौगुना दे दूंगा, तो आपके दिमाग में क्यों का क्वेश्चन आना चाहिए कि ये मुझे क्यों। तो ये मेरा ये समझ में आता है कॉमन मैन के लिए ये जरूरी है कि क्यों का क्वेश्चन उसके दिमाग में हमेशा रहे कि क्यों भाई, मुझे क्यों। कई बार जैसा अभी इन्होंने बताया, यहाँ पे भी एक केस आया है, रिटायरमेंट बेनिफिट का पैसा यहाँ पे दूना कर देंगे ऐसा लगाया और उनके ग्रेच्युटी के पूरे पैसे चले गए हैं, अभी हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। कल ही एक केस आया जिसमें 9,13,000 के आसपास की ठगी है, उससे भी डिफरेंट टाइम में मांग करके कि इसमें ये पैसा कर देंगे, जैसे टेक्निकल इन्होंने बताया प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए। तो जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं कि अननोन लिंक पे शेयर नहीं करना है, ओटीपी नहीं देना है, पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है, आई थिंक ये बेसिक पॉइंट्स हैं, कोई भी आदमी इस पॉइंट्स को हमेशा बोलेगा। उसके साथ साथ मेरा ये कहना है कि जो डर, अज्ञानता और लालच, ये तीनों का मिश्रित कॉम्बिनेशन है जो हम लोग को इस दिशा में धकेलता है। तो क्यों का क्वेश्चन हमारे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि ऐसा क्यों भाई, मैंने तो बैंक में जानकारी नहीं डाली, कोई मेरा बैंक क्यों वो कर रहा है। और हम अगर बैंक के आसपास की उसमें रहते हैं तो हम कभी ब्रांच में फिजिकल वेरिफिकेशन भी कर सकते हैं, हमेशा ऑनलाइन में अगर मेरा ये जैसे है ना कि आपका कार्ड ब्लॉक होने वाला है या कुछ ऐसा होने वाला है, तो वो ऑथराइज नंबर पे मैसेज आएगा या कुछ आएगा, बैंक से हम चेक कर सकते हैं। मतलब ये कहाँ से बाहर से पता चल गया है, वो चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है। क्यों पे हमेशा हमें ध्यान रखना है कि ऐसा क्यों, मुझे ही क्यों। तो मेरे ख्याल से ये जो है बचाव के लिए हमारे काम आएगी, टेक्निकल पॉइंट्स के अलावा, मैं एक सामान्य बात कह रहा हूँ जी। लेकिन इसमें एक बहुत संक्षेप में जानना चाहेंगे, इसमें कहीं ना कहीं उनके पास जो डाटा जा रहे हैं, बैंक के डाटा जा रहे हैं मेरे जिसके, तो उसमें बैंक के क्या लोगों के भी मिलीभगत होने के कहीं संदेह है? देखिए, अब तक की बहुत सारी जांच में जो केसेस मैंने पहले भी किए हैं, बहुत सारा ऐसा नहीं आया कि हर जगह बैंक का कर्मचारी मिला हुआ है, बट आज के डेट में डेटा की अवेलेबिलिटी पर्याप्त है जी। बैंक हो या किसी दूसरे प्रकार के प्लेटफॉर्म हो, जैसा अभी प्रशांत जी ने कहा है कि कुछ जो ऑनलाइन जो पेमेंट करने वाले प्लेटफॉर्म है या कुछ जगह पे आप खरीदारी करने जा रहे हैं, वहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं, वहाँ के कर्मचारी को मिला लिया, कितने लोगों ने दिन में खरीदी है और उनके फोन नंबर ले लिया। सिमिलरली दिस कैन हैपन विद द बैंक ऑल्सो, बैंक का कर्मचारी भी मिला हो सकता है। बाय अल्टीमेटली दे आर गेटिंग डेटा फ्रॉम समवेयर, एंड डेटा जो मिल रहा है उनको बल्क में मिल रहा है, मतलब छोटा मोटा डेटा नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं डेटा कंप्रोमाइज तो हो रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि डेटा कंप्रोमाइज नहीं हो रहा है, बट यस, हम अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्वयं से कितना सुरक्षित रख सकते हैं, बचा सकते हैं, वो देखने की जरूरत है। इवन फेसबुक में भी हम लोग एक्टिव रहते हैं, तो वहां पे भी अननोन रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने से पहले सोचना चाहिए, या अपनी प्रोफाइल को अननेसेसरी आप पब्लिक प्रोफाइल ना बना करके रखें। ये सब छोटी छोटी चीजें हैं जो हमें करना पड़ेगा, बिकॉज अल्टीमेटली साइबर फ्रॉड के केस में मुझे ऐसा लगता है कि जानकारी और सुरक्षा ही बचाव का सबसे पहला और सबसे सफल माध्यम है। चलती चलते जी, आपके सबसे परिपूर्ण मुद्दे पे फिर हम मध्यप्रदेश चलेंगे। मुझे लगता है कि जानकारी ये जितनी ज्यादा आप रखेंगे उतनी ज्यादा आपका डेटा जो है वो सुरक्षित रहेगा। अब डिजिटलाइजेशन के समय में कहा यह जाता है कि डेटा ही वेल्थ है, जितना डेटा आप अपना व्यक्तिगत रूप से सुरक्षित रखेंगे उतना ही आपका बैंक का पैसा या आपका दूसरा पैसा सुरक्षित रहेगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण से खत्म करना चाहूँगा। मैं जब रिटायर हुआ तो मुझे प्रोविडेंट फंड का पैसा मिला जी। उसके बाद मुझे कॉल आया इसका कि मैं प्रोविडेंट फंड से बोल रहा हूँ, आपका FPF का पैसा अभी बाकी है, वो मिलना है, तो आप डिटेल दीजिए जी। क्योंकि मुझे जानकारी थी कि ये किस प्रकार से मिलता है, कैसे मिलता है, क्या होता है, तो मैंने कोई जानकारी शेयर नहीं की। लेकिन जो अनजान आदमी होगा या जिसको नहीं पता होगा कि PF और FPF का पैसा किस तरह से मिलता है,
तो वो उसमें ट्रैप में फंस जाएगा। तो जानकारी जितनी आप रखेंगे उतने ही ज़्यादा सुरक्षित रहेंगे। ये मैं अजय यादव जी की बात से सहमत हूँ कि क्या और क्यों मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, ये जब तक आप जानकार नहीं बनेंगे तब तक दिक्कत जो है ये इस प्रकार की बनी रहेगी। मेरे साथ ही क्यों हो रहा है मतलब लाभ जी, तब आप लालच लालच और नुकसान में मेरे साथ क्यों हो रहा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी आपका, प्रशांत जी आपका और मोहित जी आपका हमारे साथ चर्चा में शरीक होने के लिए। निश्चित ही ये समय कम है, जितना अधिक मैसेज दे सकते हैं जनता तो कम से कम घंटे डेढ़ घंटे भी मैसेज जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। तो साधारण सा गेम या ऐप भी डाउनलोड करते समय आप बिना पढ़े ही उसके नियम और शर्तों को मानते हुए बटन दबाते रहते हैं, ये गलत होता है। यहां तक कि व्हाट्सएप को भी हैक कर लिया जाता है, पलक झपकते ही आपके पैसे खाते से गायब हो सकते हैं। इसमें सतर्कता बेहद जरूरी है। अगर किसी वेबसाइट पर कोई पॉपअप खुले और आपको कुछ आकर्षक गिफ्ट या इनाम ऑफर करे, तब आप अपनी पर्सनल जानकारी या बैंक अकाउंट नंबर या बैंक से संबंधित कोई भी जानकारी न दें। अगर आप किसी ऑफर का लाभ लेना चाहते हैं तो आप सीधे रिटेलर की वेबसाइट, रिटेलर आउटलेट या अन्य जायज साइट से संपर्क करें। अज्ञात व्यक्ति द्वारा फोन आने पर किसी भी प्रकार की OTP और पर्सनल जानकारी साझा न करें। आज के दौर में इंटरनेट हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन इंटरनेट पर जरा सी न समझी स्कैमर्स को साइबर क्राइम के लिए खुला निमंत्रण देता है। अगर आप इन बातों को गौर करते हैं तो आप साइबर ठगों का शिकार होने से बच सकते हैं। चलिए छत्तीसगढ़ के बाद रुख करते हैं मध्य प्रदेश की ओर, जहां फीस को लेकर